सॉन्ग डालनी थी यार, मुझे याद ही नहीं था। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारे आलू और पनीर। तो पनीर को हम मैंने छोटे पीसेस में ले लेंगे, जो पीस आपके साथ ऊपर शेयर कर रहा हूँ, और आलू भी अपने इसी साइज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे आलू हैं वो और पनीर, उनको हल्दी के पानी में बॉईल करेंगे ताकि एक बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो उसके बाद हम अपने 5 अनियन लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स। तो उनको फाइन चॉप करेंगे हम अपने अनियंस को। तो पैन में हम अपना तेल रख देंगे गर्म होने के लिए, उसके बाद ही अपने अनियंस उसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखें जैसे हमारा पनीर और जो आलू है, ये पनीर का हमारा टेक्सचर है और आलू हमारे जो है वो बॉयल हो रहे हैं अभी। तो उनको 5 से 7 मिनट रखना है ताकि उसके ऊपर टेक्सचर भी अच्छा आ जाए और टेंडरनेस आ जाए आलुओं के अंदर। तो तेल गाइस हमारा गर्म हो गया, अपने जो फाइनली चॉप्ड अनियंस हैं वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। 60-70% हम कुक करेंगे अपने अनियंस को। तो उसके बाद हम इसके अंदर एक सबसे महंगी चीज़ जो आज ओवर प्राइज्ड एक वेजिटेबल्स हमारी चल रही हैं, टमाटर, वो इसके अंदर ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 250-300 ग्राम्स। तो जैसे ये देखें अनियंस हमारे ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम अपने टमाटोज ऐड कर देंगे। ये हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए, तो इनको थोड़ी देर गर्म होने देंगे ताकि हमारा टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अब बड़ी अच्छी सी स्टीम एक आ रही है। तो इसके बाद हमारे जो गाइस इसमें मसाले रहने वाले हैं, मसालों में हमारा गर्म मसाला, मीट मसाला रहने वाला है, और उसके बाद नमक, लाल मिर्च रहने वाली है। तो आप देखें हमारे जो अनियंस हैं, ये देखें हमारे जो पोटैटोज़ हैं आलू, वो गर्म हो रहे हैं पानी के अंदर। तो पानी हम सारा इसका ड्रेन आउट कर लेंगे, स्ट्रेनर में ड्रेन आउट कर लेंगे पानी। और आलूओं का आप देखें टेक्सचर कितना अच्छा आया। तो जो हमारे आलू और पनीर हैं उनका एक जो अपना टेक्सचर है हल्दी के पानी में, वो बड़ा अच्छा आएगा। जैसे आप देखें, ये देखिए, तो जो मसाला हमारा तैयार हो गया, हमारे आलू और पनीर जो है उसके अंदर ऐड करने कर देंगे हम। तो एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा एक सिंपल तरीका है इसको बनाने का, बड़ी एक सिंपल सी रेसिपी है, तो आप भी इसको शेयर करें। तो जब हमारे मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद हम अपने इसके अंदर ऐड करेंगे। तो गैस को या इंडक्शन को हमने सिम कर देना, तो इसको 10-15 मिनट्स के लिए हमने बॉयल आने देना, अच्छा सा एक नाइस बॉयल आने देना। जैसे देखें आप, ये हमारे मसाले में बॉयल आ रहा है। तो अपने आलू और प्याज जो, सॉरी, आलू और पनीर हमारा जो है वो इसके अंदर गाइस हम ऐड कर देंगे। अभी देखें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हमारे देखें, ये बड़ा अच्छा सा बॉयल हमारी सब्ज़ी के अंदर आ गया। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉयल होने देना, तो उसके बाद ये रेडी टू सर्व है। तो आप भी ट्राई करें, बड़ा ईजी सी रेसिपी है। थैंक यू गाइज़।